तो भाई हम लेंगे बनाएंगे ओट्स। पहले तो ऑलिव ऑयल ले लो, अगर ऑलिव ऑयल चाहिए। वैसे हम एक्स्ट्रा वर्जिन यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं डालना। आप थोड़ा बड़े सेफ बन सकते हैं, सोचो हेल्दी खाने के लिए। अगर किसी के पास ऑलिव ऑयल नहीं है और घी में बना रहा है तो ओट्स ना बनाए। इससे अच्छा पानी में सब्जियां अगर अगर रखे और उन्हें उबाल दें और फिर ओट्स डाल दें और उबलने दें 2 मिनट के लिए। फिर थोड़ा सा नमक, मतलब ब्लैक सॉल्ट हिंदी में बोलो तो काला नमक, और क्या पिंक सॉल्ट भी बोलते हैं। हाँ, पिंक सॉल्ट और काला नमक थोड़ा अलग हो जाता है। अच्छा। हाँ, बट दोनों यूज कर सकते हो आप। ये ऑनियन आपने डालने, वैसे अगर आप आयुर्वेदा पढ़ो, आयुर्वेदा में ये डालने गलत होते हैं अगर आप ओनियन फैट लॉस कर रहे हो तो। हाँ, ऑनियंस तो वो लोग किसी भी कंडीशन में गलत ही बताते हैं। हाँ, वो कहते हैं, उनका ये कहना है कि मतलब ये ब्रेन को डिस्टर्ब करते हैं। अरे, फोकस करने से सही बात है। बट क्या कहते हैं, जो वाइट ऑनियन आता है ना, जो सफ़ेद प्याज आता है, वो एक प्याज होता है और उसके साथ कोई डंडी सी लगी हुई आती है। अच्छा, वो यूज़ करने की है। वो काम होते हैं, मतलब फैट लॉस के लिए ये गलत हैं। बट हम करते हैं एक्सरसाइज वगैरह वगैरह कर लेते हैं, हम भाग लेते हैं तो हमारे लिए ठीक है, हम पचा लेंगे। पर जो घनाई आलसी है उसे नहीं करना चाहिए। जो अब ये लाल करने के, अब ये रेड हो जाए तो इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। हाँ, अब इनको गलाने के लिए आपको सॉल्ट यूज करना है। सॉल्ट मैंने जैसे बोला कि ब्लैक सॉल्ट होना चाहिए। ओके, और इसको रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, तो स्वाद अनुसार। पर ये अच्छा रहता है, मतलब हेल्थ के लिए। बट आपको वाइट सॉल्ट भी यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि उसमें आयोडीन नहीं होता। अगर आयोडीन नहीं होगा तो आपका गला, अब वो पढ़ लेना कि गला क्या कर देता है आयोडीन। तो थोड़ा सा थ्रोट में ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। जी 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 जी, तो आपकी वॉइस भी ख़राब हो जाती है, बोलने में भी दिक्कत हो जाती है, आयोडीन की कमी हो जाती है, तो गला लटक जाता है। जी जी, और फिर हम डालते हैं इसमें टर्मरिक, हिंदी में बोलो तो हल्दी, तो टेस्ट के लिए थोड़ा हो जाता है। आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो, मैं नहीं डालता हूँ। ब्लैक पेपर का पाउडर होता है, वो भी यूज़ कर सकते हो। ओके, अब कोई कोई लोग बोलते हैं, जैसे भैया आप कह रहे थे कि रोटी खाने से पेट भर जाता है, इससे नहीं भरता है ना, तो वो मेरे को भी होता है और सबको होता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, अगर कोई गॉड पे बिलीव करता हो, गॉड बिलीवर्स को लिए कि गीता का चैप्टर 6:6 पढ़ो, तो उसमें बोलते हैं कान्हा जी कि भाई आपका माइंड आपका फ्रेंड है, अगर आप उसको सुना रहे हो अपनी, पर अगर आप अपनी माइंड की सुन रहे हो तो वो आपका बहुत बड़ा एनिमी। तो अगर खाने में भी आप अपने माइंड की सुन रहे हो कि भाई मुझे लड्डू खाने हैं या मीठा वीठा खाना है, तो वो आपके एनिमी हो जाएगा और फिर आप मोटापा और बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर पाओगे जो करनी होती है। तो भाई कान्हा जी की सुन लो, अगर हमारी नहीं सुन रहे हो तो। दैट्स राइट। अब इसमें हम वाटर डालेंगे और आपके ओट्स बन गए। ओट्स डालने हैं अब इसमें। और जो बहुत ही घना आलसी है, अगर ये भी मतलब प्याज वगैरह वगैरह नहीं काट पाए और ये टमाटर मिल्क यूज करे, मिल्क यूज करे और उसमें डाल ले। आई वुड प्रेफर मिल्क। हाँ, आप डाल सकते हो और हनी यूज कर सकते हो। मैं हनी खा नहीं रहा, मतलब मैं मीठा कुछ खा ही नहीं रहा, तो उसके लिए देयर इज सम कंट्रोवर्सीज ओवर एडल्ट्रेशन इन हनी एज वेल। या यू आर राइट। तो फिर वो आप इंडियन हनी यूज ना करें, फिर एक्सपोर्ट करवाएं, वो और महंगा पड़ेगा। फ्यू ब्रांड्स हैव पास्ड द टेस्ट। कौन-कौन से ब्रांड ने पास किया? आल्सो डोंट नो व्हिच साइड इज is true। yep, थोड़े से और डाल देता है और इनको बस कितने 2-3 मिनट उबलने दो बस। okay. आपके ओट्स बन गए।
और जिसको ओट्स भी नहीं बनाने हो, मतलब दूध में भी डाल के नहीं खाना, हनी नहीं डालना, तो वो दो केले खा ले सुबह. ओके. बस. और दो केले से ज़्यादा नहीं. और दो केले इसलिए क्योंकि केले जो डिप्रेशन के मरीज लोग हैं उनके लिए बेस्ट है और स्ट्रेस कम करता है. आयरन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो बहुत हेल्थ. हाउ मच टाइम विल इट टेक? इज इट डन? नो, इट विल टेक 2-3 मिनट्स उबलने के लिए. तो उसके बट हो गया ये. अब प्लेट में हम जब हमारे बन के ओट्स रेडी हैं. अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिए. मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा. हैव अ नाइस डे.